अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये शादी नहीं, शगुन का बिछाया हुआ जाल है। खेल खेले उसने हमारे साथ। मेरी बहनें शगुन के घर विदा नहीं होंगी। So you do. Out! नहीं राज। माना हमारी पुरानी दुश्मनी है और उसकी सजा मेरे बच्चों को मत दो प्लीज। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है, जो मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों का दिल मत दो। आज दांव पर मेरे बेटे लगे, प्लीज उनकी खुशियां उसे मत छीनो। वानी की खुशियां मत छीनो प्लीज। हम मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं ना? मुझे मेरी बहुओं को ले जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। बंद करिए अपना ये ड्रामा, ये एक्टिंग। इन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं रौनक से शादी करूं, नहीं तो ये वाणी दी की शादी अभी जीजू से नहीं होने देंगी। दुश्मनी की चिंगारी पे वक्त की धूल जम गई थी शगुन, लेकिन आज तुमने फिर से इसे फूंक दिया है और इस चिंगारी को राख हम भाई बहन ही बनाएंगे। इतना अफसोस हो रहा है। काश मीन भाभी जिंदा होती और वो तुम्हारी परवरिश करती, तब तुम्हें पता चलता कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, खास करके शादी का रिश्ता। लाड प्यार करना अच्छी बात है, पर तुम्हारे भाई ने तुम्हें इतना ज्यादा प्यार दिया है कि वही आज तुम्हारे लिए जहर बन रहा है। सब कुछ इतनी आसानी से मिला, इसलिए रिश्तों की अहमियत, उनकी कीमत तुम नहीं समझ पाई। रौनक से शादी करके अपने आप को श्लोक की पत्नी बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप प्लीज चुप कर जाइए। इसे चुप करा राज। अगर इसकी शादी श्लोक के साथ हुई है तो रौनक यहाँ पर दूल्हे के कपड़ों में क्यों खड़ा है? श्लोक इसका पति है तो कहाँ है श्लोक? कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन को ऐसे छोड़कर जाता है? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? मैं श्लोक को कॉल करती हूँ, मैं उसे फोन करती हूँ, अभी की अभी सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा ड्रामा तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा है जो यहाँ देखने को मिल रहा है। अरे कैसा भाई है जो अपनी ही बहन को बिगाड़ रहा है? बिना माँ की बच्ची है ना, तो यही होगा। कितनी बेशरम लड़की है। शादी किससे की और दूल्हा किसे बता रही है? सच में बड़ी बेशरम लड़की है। राज, अगर तुझे ये शादी नहीं माननी है तो मत मान। अगर सुमित को तू उसके ससुराल नहीं भेजना चाहता तो मत भेज, लेकिन मैं अपनी वाणी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वाणी आज ससुराल जाएगी।
आपके सामने ये शगुन खड़ी है और आप इस औरत के सारे रंग जानते हो। हमारी वाणी की जिंदगी बर्बाद कर देगी बुआ। अगर आज वाणी की विदाई नहीं हुई नाराज तो वाणी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वाणी प्रेग्नेंट है। श्लोक कहाँ रहता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब क्या करूं? वो राम गली है ना, वहां पे 11/4 नंबर का घर है हमारा। पूनम आंटी ने कहा था राम गली के लिए तो मुझे टैक्सी बुक करनी चाहिए ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे सुमिति बैठी है? नहीं, ये श्लोक नहीं हो सकता। अगर श्लोक होता तो मुझे पहचान जाता। अब तक तो अपने आलिशान घर से निकल के महंगी गाड़ी में बैठ के ससुराल पहुंच गई होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।